नमस्कार, स्वागत है आपका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरे बांध में जाके कांग्रेस की कथनी करने में इतना फर्क है कि आज उसकी दुर्गति हो गई है। लखनऊ में मायावती ने बृहस्पतिवार को कहा कि बसपा पार्टी के समर्थ लोगों से सदस्यता के जरिए ही आर्थिक मदद लेती है, इससे कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। जबकि सब जानते हैं कि कांग्रेस अपनी रैलियों तक में दिहाड़ी पर मजदूरों को ले जाती है। आगरा में जहरीली शराब की सप्लाई सरकारी ठेकों से हुई थी। आगरा पुलिस ने 2 शराब ठेकों के मालिक सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि ठेकों पर जहरीली शराब कहां से सप्लाई हुई थी। कई आरोपी अभी पुलिस की रडार पर है। इनकी गिरफ्तारी को पुलिस टीम दबिश दे रही है। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जिलों का नाम बदलकर सरकार के धार्मिक एजेंडों को धार देने के लिए तैयारी है। प्रदेश सरकार सुल्तानपुर जिले का नाम भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के नाम पर कुश भवनपुर करने की तैयारी कर रही है। राजस्व परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परिषद ने अपनी संतुष्टि शासन को भेज दी है। अब इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट करेगी। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में गुरुवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हुआ है। रोडवेज बस की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 21 नए संक्रमित मरीज मिले हैं जबकि 27 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इस समय प्रदेश में कुल एक्टिव कोविड केस की संख्या 329 रह गई है। दुष्कर्म पीड़िता की आत्महत्या के मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी जांच की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पीड़िता ने मुख्तार अंसारी की शह पर दुष्कर्म के आरोपी अतुल राय को बचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। काबुल एयरपोर्ट पर धमाका तब हुआ जब अमेरिकी सैनिकों को निकालने की समय सीमा पूरा होने में अभी 3 दिन बाकी हैं। 9 धमाकों से कल पूरा काबुल दहल गया। 100 से ज्यादा लोग मारे गए जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी हैं। इससे अमेरिका पूरी तरह बौखला गया है। यह साफ तौर पर अमेरिका के लिए एक चुनौती की तरह है। इसलिए अमेरिका ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वह 31 अगस्त के बाद क्या करने वाला है। पंजाब कांग्रेस का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को पार्टी प्रभारी हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को अपने सलाहकारों को हटाने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद शुक्रवार को सिद्धू के विवादित सलाहकारों मालविंदर माली ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं अमृतसर में व्यापारियों को संबोधित करते हुए पंजाब कांग्रेस प्रधान ने कहा कि यदि उन्हें फैसले न लेने दिए गए तो वे ईंट से ईंट बचा देंगे। वे पंजाब मॉडल के संदर्भ में बात कर रहे थे। आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार मामूली गिरावट पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेक्टर 32.95 अंक 0.6% की मामूली गिरावट के साथ 55,916.15 के स्तर पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 6.80 अंकों 0.4% की गिरावट के साथ 16,630.10 के स्तर पर खुला। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज तीसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 3 दिन पहले पेट्रोल की कीमत 14 से 15 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 15 से 16 पैसे घटी थी। हालांकि अब भी प्रमुख बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर बनी हुई है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।